आज 2 फरवरी को आज के महाउपाय की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्री महापुराण के एक बहुत ही विशेष और आसान से अचूक उपाय का वर्णन करेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अभी हाल ही में वणी यमतमाल में चल रही श्री काशी श्री महापुराण की कथा के 6वें दिन में इस विशेष और नए अचूक उपाय की जानकारी दिए है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई बहुत ही ज्यादा विशेष मनोकामना हो, बहुत ही लंबे समय से आप किसी चीज़ की कामना कर रहे हो और आपको प्राप्त नहीं हुई है, भोलेनाथ की कृपा आप पर नहीं हुई है, भोलेनाथ आपकी नहीं सुने हैं, बहुत सारे व्रत भी कर लिए हैं फिर भी वो सफल नहीं हुआ, तो आपको इस विशेष उपाय को एक बार अवश्य करना है। गुरु जी ने कहा कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को किस दिन करना है इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस विशेष अचूक श्री महाप्राण के उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको अपने घर में ही गमले में, आपके घर में गमला होगा, कोई भी फूल का पेड़ होगा उसका गमला होगा, उसमें जो मिट्टी होगी या फिर आपके घर में बाड़ी होगा, बगीचा होगा, वहाँ की किसी भी कोने में मिट्टी में पेड़ के नीचे आपको एक छोटा सा लिंग बना लेना है। उसमें आप जलाधारी, माता सुख सुंदरी का स्थान, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मात्र एक लिंग बना लेना है आपको और फिर उस पर आपको पुष्प अर्पित करना है, आपको एक बेलपत्री समर्पित करना है, आपको अक्षत समर्पित करना है, जैसे आप शिव जी की पूजन करते हो आपको जो जो सामग्री आपके पास हो, शमी पत्र आपके पास जो भी हो आपको उसे समर्पित करना है और बाबा से अपनी कामना कहना है, मात्र इतना ही आपको करना है। फिर जब आप पूरा पूजन कर ले, अपने हृदय की कामना महादेव से कह ले, उसके बाद आपको एक कलश जल लेकर उसी मिट्टी में जहाँ पे आपने लिंग बनाए हैं वहीं पर ही आपको जल डालकर विसर्जन कर देना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप श्री महापुराण के इस उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि आपको इसका विशेष लाभ मिलता ही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखें, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव का हृदय कितना बड़ा है, मेरे महादेव मेरे शिव जी कितने करुणामय हैं, कितने करुणा सागर उनमें भरा हुआ है। आपको बस इस उपाय को अपने पूरे आस से, पूरे विश्वास से, अपने हृदय को शिव में लगाकर और शिव का होकर एक बार अवश्य करना है। अब जानते हैं कि इस उपाय को आपको करना कब है, तो गुरु जी ने कहा कि आप प्रत्येक सोमवार को, हर महीने जितने सोमवार पढ़ते हो उसको, या फिर अगर आप पूरे सोमवार को नहीं कर पा रहे हो तो आप महीने में पढ़ने वाली प्रत्येक प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि को जो कि हर महीने पड़ती है, आप इनमें से किसी भी दिन से इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज के महाउपाय की इस विशेष वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए एक बहुत ही विशेष अचूक उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की उपाय की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य सभी भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए श्री महापुराण के इन विशेष उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।